एक बड़ी लेडर लेके पहले जो फ्लैग पोल है उसके एंड पे जो चक्री होती है, कड़ी बोलते हैं या तो स्नैप हुक जिसको बोलते हैं, उसमें से रोप को पास करिए लाइक दिस। चक्री जा औरंगा, चक्री औरंगा बोले नीचे ले, थोड़ा रस्सी खाली खाली होंगे बोले, थोड़ा रस्सी नीचे ले ले, अभी डाल कुछ, ये होंगे खाली है, अभी डाल दो उसके अंदर, खींच ले नीचे, खींच ले नीचे, खींच थोड़ा नीचे, खींच हां अभी डाल दे, चक्री में डाल, चक्री में डालो, हां बस बस ठीक है, बस ना तो अभी एक एंड है रोप का, वो लॉन्गर रखना है और एक शॉर्टर रखना है। लॉन्गर रोप है उसको ऐसे हुक होता है उधर टाई कर देना है रोप का। जो शॉर्टर एंड है उसको सेफ्रॉन बैंड है, ऑरेंज कलर का बैंड है, उसके कॉर्नर में ऐसे टाई करना है। सिंधे अंकल दिखा रहे हैं कैसे टाई करना है। अभी एक्स्ट्रा नॉट ऐसे लगाइए, अंदर रोप थोड़ा खुल जाएगा, उसके अंदर से फिर से एक बार हम नॉट लगाएंगे। रोप का जो लॉन्गर एंड है उसको हम अभी ग्रीन कलर के बैंड के कॉर्नर पे लगाएंगे। टाई अ नॉट विथ लॉन्गर एंड ऑफ द रोप एट ग्रीन बैंड कॉर्नर, और उसको भी सिमिलरली डबल नॉट लगाएंगे। लेट्स लर्न हाउ टू फोल्ड फ्लैग, और कैसे हम पेटल्स और छुट्टे फ्लावर्स है जो फूल है वो कैसे हम लगाएंगे। और याद रखिए पंखुड़ी ही रखना है, फूल पूरा फ्लावर्स अंदर नहीं भरना है फ्लैग के अंदर। सो लेट्स लर्न हाउ टू फोल्ड, पहले दो लोग की ज़रूरत रहेगी इसमें। फोल्ड ऑरेंज एंड ग्रीन ग्रीन बैंड ऑन साइड्स, एंड जिधर हमारा अशोक चक्र रहता है वाइट कलर के, उसमें आप गुलाब की पत्तियाँ या तो गेंदे के फ्लावर्स की पत्तियाँ भर सकते हैं मिडिल में, और धीरे से ऐसे ऑरेंज साइड में भी आप कर सकते हैं। और जैसे हम चुन्नी लेते हैं साड़ी पहनने के टाइम, वैसे ही हमें फोल्ड करना है। Now let's learn how to tie this folded flag. तो याद रखिए जो ग्रीन कलर का कॉर्नर है वो रोप को आपको लेना है और ऐसे टाई करेंगे हम। टाई एंड टेक टू थ्री टर्न्स फ्रॉम द ग्रीन बैंड कॉर्नर रोप अराउंड द फ्लैग। नॉट टाई करते वक्त इधर ध्यान रखना है कि स्पेसिफिकली जो खुल जाए वैसे हम नॉट लेंगे। प्लीज़ चेक दिस हाउ टू टाई दिस फोल्डेड फ्लैग। अभी जो लॉन्गर एंड था रोप का उसको स्लोली स्लोली खींचना है, जैसे वो शॉर्टर वाला जो रोप है वो ऊपर जाएंगे जो इसे फ्लैग हमने टाई किया है। स्लोली विथ रिस्पेक्ट
अभी ऑरेंज कलर का रोप है, जो ऑरेंज कलर के बैंड के साथ जो रोप लगा है वो हमेशा लूज रखना है, और जो ग्रीन वाला बैंड के साथ जो रोप लगा हुआ है उसको इसे टाइट करना है। देखो पोल के नीचे की साइड में भी एक हुक होता है, उधर आप ऐसा टाई कर सकते हो। तो आपको कौन सा रोप पुल करना है वो पता है, जो लूजर रोप है वो आपको पुल करना है। If you like this video, please like, share, subscribe and hit on the bell icon.